नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों के मशहूर एक्टर पुनीत राजकुमार, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पुनीत राजकुमार कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार लोहित राजकुमार को व्यापक रूप से उनके मंच नाम पुनीत राजकुमार के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने कन्नड़ के लोग बोलचाल की भाषा में अप्पू के नाम से जानते हैं। एक भारतीय अभिनेता, परोपकारी, पार्श्व गायक, टेलीविजन प्रस्तोता और निर्माता थे जिन्होंने कन्नड़ सिनेमा में काम किया। वो अभिनेता और मैटरनिटी आइडल डॉक्टर राजकुमार के सबसे छोटे बेटे थे। यहां दोस्तों, डॉक्टर राजकुमार के बारे में जानना चाहें तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। पुनीत कन्नड़ सिनेमा के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे। वो 32 फिल्मों में मुख्य भूमिका में नजर आए। एक बच्चे के रूप में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। वसंत गीता 1980, भाग्यवंता 1981, चालीस हुआ मोदा गालू 1982, इरादू नक्षत्र गालू 1983 में एक बाल कलाकार के रूप में उन्होंने अभिनय किया। भक्त प्रहलाद 1983, यारी वानू 1984 और बेटा दा हुवु 1985 की प्रशंसित फिल्में थी। बेटा दा हुवु में रामू की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उन्होंने चालीस हुआ मोदा गालू और इराडू नक्षत्र गालू के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का कर्नाटक राज्य पुरस्कार जीता। पुनीत की पहली मुख्य भूमिका में फिल्म थी अप्पू, जो कि 2002 में आई थी। तीन दशक के करियर में उन्होंने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, चार कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार, छह फिल्म फेयर दक्षिण पुरस्कार और पांच सिम्मा जीता। इन्हें मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। कर्नाटक सरकार में 1 नवंबर 2022 को मरणोपरांत पुनीत राजकुमार को राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कर्नाटक रत्न प्रदान किया गया। फैन और मीडिया द्वारा पुनीत को पावर स्टार उपनाम दिया गया था। एक अभिनेता के रूप में उनकी फिल्में मुख्य रूप से पारिवारिक ड्रामा और एक्शन फिल्में थीं, लेकिन बीआरके प्रोडक्शन के बैनर तले उनके द्वारा निर्मित फिल्में कॉमेडी ड्रामा शैली थी, जिसमें पारिवारिक रिश्ते और सामाजिक संदेश देने का विषय था। अप्पू 2002, अभी 2003, वीरा कन्नाडिगा 2004, मौर्य 2004, आकाश 2005, अजय 2006, रासु 2007, मिलान जैसी कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में मुख्य अभिनेता के रूप में दिखाई दिए। 2007 में वामशी, 2008 में राम, 2009 में जैकी, 2010 में हुडू गारू, 2011 में पावर, 2014 में राणा विक्रम, 2015 में राजकुमार, 2017 में अंजनी पुत्र, 2017 में नट सार्वभौमा, 2019 में यू रत्ना, 2021 2022 जेम्स उनकी आखिरी सिल्वर स्क्रीन उपस्थिति थी। डाक्यू ड्रामा गद्दा गुड्डी, जिसमें उन्होंने खुद की भूमिका निभाई। 28 अक्टूबर 2022 को संयोग से उनकी पहली मृत्यु तिथि के अवसर पर यह फिल्म रिलीज हुई। वो अपने समय के सबसे प्रसिद्ध हस्तियों में से एक थे। कन्नड़ सिनेमा में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक थे पुनीत। 2012 में उन्होंने गेम शो अन्ना दादा कोट्याधिपति, जो कि हु व्हाट्स यू बी अ मिलेनियर का कन्नड़ संस्करण है। पुनीत राजकुमार ने नेत्रदान किया नारायण नेत्रालय को, जो कि 28 वर्षों में उन्हें 65,000 प्रतिज्ञा की तुलना में सिर्फ एक वर्ष में 85,000 प्रतिज्ञा दर्ज कराई।
कहने का मतलब यह है कि 28 साल में उन्हें जो है 65,000 नेत्र दान करने वाले मिले, लेकिन जैसे ही पुनीत राजकुमार ने अपनी आंखों को दान किया, उसी वर्ष 85,000 लोगों ने अपनी नेत्र दान करने के लिए प्रतिज्ञा पत्र दर्ज की। पुनीत राजकुमार का जन्म 17 मार्च 1975 को मद्रास के मैटिनिटी आइडल राजकुमार और पर्वतम्मा राजकुमार के घर हुआ। वो उनकी पांचवी और सबसे छोटी संतान थे। जब पुनीत 6 साल के थे तब से उनका परिवार मैसूर चला गया। उनके पिता उन्हें और उनकी बहन पूर्णिमा को उनके फिल्म सेट पर तब तक लाते रहे जब तक वो 10 साल के नहीं हो गए। उनके बड़े भाई शिव राजकुमार और राघवेंद्र राजकुमार भी पेशेवर अभिनेता हैं। पुनीत ने 1 दिसंबर 1999 को चिकमगलूर की अश्वनी रेवती से शादी की। उनकी मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई। शादी के बाद इन्हें 2 बच्चे हुए, दोनों बेटियां। बेटी का नाम है, पहली का नाम धृति और दूसरी का नाम वंदिता। पुनीत राजकुमार की मृत्यु 29 अक्टूबर 2021 को बेंगलोर कर्नाटक भारत में हुई। दोस्तों एक बार संक्षिप्त में फिर से मैं इनके बारे में जानकारी देना चाहूंगा। पुनीत राजकुमार का वास्तविक नाम लोहित राजकुमार, 17 मार्च 1975 को मद्रास तमिलनाडु भारत में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु हुई 29 अक्टूबर 2021 को बेंगलोर कर्नाटक भारत में हुई। ये अभिनेता गायक थे, निर्माता थे, टेलीविजन प्रस्तोता थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने 1976 से लेकर 1979 तक और उसके बाद 2002 से लेकर 2022 तक लगातार फिल्मों में अपना योगदान दिया। इनकी पत्नी का नाम अश्वनी रेवती, इनके 2 बेटियां हैं। इनके पिता का नाम डॉक्टर राजकुमार और माताजी का नाम पर्वतम्मा राजकुमार। रिश्तेदार है इनके राजकुमार परिवार। इन्हें कर्नाटक रत्न 2022, मानद डॉक्टरेट 2021 दोनों मरणोपरांत इन्हें मिला। पुनीत राजकुमार एक प्रतिभाशाली गायक थे। बाल कलाकार के रूप में इन्होंने सभी फिल्मों में गाना गाया। अभिनेता बनने के बाद अपनी फिल्मों में कम से कम एक गीत इन्होंने जरूर गाया। संगीत निर्देशकों का मानना था इनके गीत जनता में लोकप्रिय हो जाते हैं। इनकी मृत्यु के पश्चात इनके चाहने वालों ने अपार शोक की लहर फैल गई थी। कर्नाटक सरकार ने कई इलाके में धारा 144 लगा दी थी। इनके पार्थिव शरीर को कांति रवा स्टेडियम में 2 दिनों के लिए अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था। जनता की अपार भीड़ उमड़ पड़ी थी। 30 लाख से अधिक लोगों ने अंतिम दर्शन किया था, जो कि भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी अंतिम संस्कार सभा आयोजनों में से एक थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।